नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेसबुक की प्रोफाइल को आप किस तरह से लॉक कर सकते हैं और किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि फेसबुक की प्रोफाइल को लॉक करने से क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फेसबुक की प्रोफाइल को लॉक करने के लिए सबसे पहले आपको फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको प्रोफाइल के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको थ्री डॉट में क्लिक करना है। जैसे थ्री डॉट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉक प्रोफाइल। जैसे आप लॉक प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको लॉक योर प्रोफाइल में क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का मैसेज आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यू लॉक योर प्रोफाइल, यानी कि दोस्तों हमारी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर लॉक हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। यदि दोस्तों आपकी फेसबुक प्रोफाइल लॉक है तो आपको इस तरह का मैसेज देखने को मिल जाएगा। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है अभी लॉक है। अब दोस्तों, फेसबुक की प्रोफाइल को अनलॉक कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक की प्रोफाइल को अनलॉक करने के लिए फिर से आपको यहाँ पर थ्री डॉट में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अनलॉक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अनलॉक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको अनलॉक योर प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर अनलॉक हो जाएगी और आपके सामने इस तरह का मैसेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू अनलॉक योर प्रोफाइल, यानी कि हमारी जो फेसबुक प्रोफाइल है वो यहाँ पर अनलॉक हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप यहाँ पर अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि फेसबुक प्रोफाइल को लॉक करने के क्या क्या फायदे होते हैं। यदि दोस्तों आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को लॉक करके रखते हैं तो दोस्तों कोई भी न्यू पर्सन आपकी फेसबुक प्रोफाइल में विजिट करता है तो दोस्तों आपकी जो प्रोफाइल फोटो होती है उसको वो फुल साइज़ में नहीं देख पाएगा। और आज तक आपने जितने भी फोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड किए हैं अपने फेसबुक अकाउंट में, उन सारे फोटोज़ और वीडियोज़ को भी वो न्यू पर्सन जो है वो नहीं देख पाएगा। और दोस्तों, आपके फेसबुक अकाउंट के फ्रेंड लिस्ट को भी वो न्यू पर्सन नहीं देख पाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों, आप यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट में चेंज करते हैं, सेम दोस्तों इसी तरह से आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को लॉक कर देते हैं तो आपका जो फेसबुक अकाउंट होता है वो एक तरह से प्राइवेट अकाउंट में चेंज हो जाता है। फ़र्क बस इतना है कि इंस्टाग्राम में आपको प्राइवेट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है और फेसबुक में आपको लॉक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है। फेसबुक की प्रोफाइल को लॉक करने के बाद कोई भी न्यू पर्सन जिसने आपको फॉलो नहीं किया है वो पर्सन आपकी प्रोफाइल में विजिट करेगा तो वो आपकी ना तो प्रोफाइल फोटो को फुल साइज में देख पाएगा, ना तो आपके फ्रेंड लिस्ट को देख पाएगा और दोस्तों कोई भी आपकी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा हूँ। यदि दोस्तों कोई भी न्यू पर्सन आपकी प्रोफाइल में आना चाहता है, आपकी फोटोज वीडियोज को देखना चाहता है तो दोस्तों उसे सबसे पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक रिक्वेस्ट मिलेगी, अगर आप उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपके प्रोफाइल फ़ोटोज़ को भी देख पाएगा और सारे फ्रेंड लिस्ट को भी देख पाएगा। यदि आप उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो आपके प्रोफाइल को नहीं देख पाएगा। तो दोस्तों ये सारे फायदे होते हैं फेसबुक की प्रोफाइल को लॉक करने के। और दोस्तों बात की जाए नुकसान की तो दोस्तों इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। फेसबुक की प्रोफाइल को लॉक करने का कोई भी नुकसान नहीं है क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ हमारा जो अकाउंट है वो प्राइवेट अकाउंट में चेंज होता है और प्राइवेट अकाउंट को चेंज करने के कोई भी नुकसान नहीं होते हैं।